और करंट देखो कितनी फास्ट जा रहा है। करंट इतनी फास्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास में रेसिस्टेंस ही नहीं है। ये जो लगा हुआ है ना सर्किट, ये वाला, इसमें प्रतिरोध ही नहीं है। प्रतिरोध वैसे तो जीरो है दिखने में तो, लेकिन तार का अगर थोड़ा बहुत होता तो आर का वैल्यू क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो देखो करंट का ये फॉर्मूला होता है ना, वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। आई क्या होता है, वी बाई आर। अगर आर का वैल्यू बहुत कम है तो यहाँ पर तो वैसे आर लगा नहीं रखा, लेकिन वायर का थोड़ा बहुत अगर रेसिस्टेंस मान लूँ तो आर का वैल्यू बहुत कम होगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे नीचे वाला वैल्यू काफ़ी कम होगा तो आई का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो आर है ही नहीं इसमें, ऑलमोस्ट जीरो है, तो आर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से क्या, आई का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखो आई कितना आ रहा है, मैं एक बार मेजर करता हूँ इसको, हम लोग इसको मेजर करके देखते हैं कितना आ रहा है। यह आ रहा है कितना, 44,000, 44,422।